नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, हमारा चैनल हर सप्ताह निशुल्क ज्योतिषीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराता है। अपनी फ्री कंसल्टेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोज आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि वाले लोगों का नवंबर 2018 का तीसरा सप्ताह कैसा जाएगा? दोस्तों, हमारा ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। 15 नवंबर से लेकर 21 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत बेहतरीन हो रही है। 15 तारीख को धनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी मंगल है। चंद्रमा मकर राशि से आपके प्रथम भाव से गोचर करेंगे। आपके कारोबार में तेजी आएगी, अपने व्यापार से आपको फायदा होगा। चंद्रमा और मंगल के प्रभाव की वजह से धनाधन नोट आपके ऊपर बरस सकते हैं, लेकिन स्वभाव में कुछ क्रोध आपके बढ़ सकता है। आपको अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की बहस में पड़ने से बचना चाहिए। आपकी मेहनत इस दिन बहुत अधिक बढ़ सकती है जिसकी वजह से मानसिक चिंताएं भी बढ़ेगी। मेहनत के अनुसार आपको फल भी प्राप्त होंगे, लेकिन आपकी भागदौड़ बढ़ेगी। लड़ाई झगड़े से इस दिन खुद को दूर रखें। इस दिन आप तेज गति से वाहन आदि ना चलाएं। हर काम में जल्दबाजी करना भी उचित नहीं है। 16 और 17 तारीख आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। चंद्रमा कुंभ राशि से आपके दूसरे भाव से धन भाव से गोचर करेंगे। 16 तारीख को शतभिषा नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी राहु है। राहु के प्रभाव की वजह से सब कुछ पा लेने की चाहत आपके अंदर पैदा होगी। आपके मन की इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ सकती हैं और आपको इस दिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपको अपने कारोबार से फायदा होगा। अचानक धन का लाभ हो सकता है, गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है, रुका हुआ धन भी आप तक पहुंच सकता है। कर्ज की स्थिति समाप्त हो सकती है, अगर आपने उधार या लोन ले रखा तो वो अब चुक सकता है। 16 और 17 तारीख आपके लिए बहुत भाग्यशाली है। 17 तारीख दिन के समय शतभिषा नक्षत्र रहेगा। 17 तारीख शाम के समय में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी गुरु है। जॉब करने वालों के मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। 17 तारीख शाम के समय में गुरु के प्रभाव की वजह से आपका यह दिन बहुत ही शुभ बनेगा। मन में प्रसन्नता बनी रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, सामाजिक स्तर पर भी आपका दायरा बढ़ेगा। घर परिवार में भी लोगों की सोच आपके प्रति बदलेगी। हर तरीके से परिवार के सदस्यों का साथ भी आपको मिलेगा। अपने घर से भी धन दौलत प्राप्त हो सकती है। 18, 19, 20 शाम तक के समय में चंद्रमा मीन राशि से आपके तीसरे भाव से गोचर करेंगे। ये तीन दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे। आप हर काम के लिए जल्दबाजी करने से बचेंगे। इन तीन दिनों में आप खर्चों से भी बचना चाहेंगे, लेकिन कुछ खर्च आपके सामने आ सकते हैं। यात्राओं का योग भी आपके लिए बन सकता है। आप अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। व्यापार के लिए की गई यात्राओं से आपको फायदा होगा। इन तीन दिनों में आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, लेकिन कुछ मामलों में आप अपने बारे में भी सोच सकते हैं। कुछ पुरानी यादें आपको घेर सकती हैं। आपका मन इमोशनल भी हो सकता है। कुछ लोगों की मदद करने को भी आप तैयार हो सकते हैं। इन तीन दिनों में आप अपने भाई बहन का ख्याल रखेंगे। परिवार के सदस्यों का साथ भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। जॉब करने वालों के लिए दिन बहुत शानदार रहेंगे। आपके टारगेट पूरे होंगे। अपने सहकर्मियों के साथ बहस करने से आपको इन तीन दिनों में बचना चाहिए। धन का निवेश इन तीन दिनों में बिल्कुल भी ना करें। जिस तरह चल रहा है चलने दें। दोस्तों, 21 तारीख का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। चंद्रमा मेष राशि से आपके चतुर्थ भाव से गोचर करेंगे। दिन के समय में अश्विनी नक्षत्र रहेगा और शाम के समय में भरणी नक्षत्र रहेगा जिसका स्वामी शुक्र है। शुक्र के प्रभाव की वजह से आपके भौतिक सुख बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। आप जो भी चाहेंगे वो पालेंगे। इस दिन आप अपने धन को खर्च करेंगे। अपने व्यापार के लिए भी आप धन का निवेश इस दिन कर सकते हैं। घर परिवार के किसी सदस्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। माता जी की सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है। दोस्तों, पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार है, बहुत ही भाग्यशाली है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी फ्री कंसल्टेशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना टाइम जरूर लें। धन्यवाद।